इंद्रकुल, तुम किसी काम के नहीं हो। बार बार वीर को खत्म करने जाते हो और फेल हो जाते हो। He is useless, boss. ठीक है, तो तुम ही वीर को खत्म करके दिखा दो ना। वो तो बॉस ने आज तक मुझे भेजा नहीं, वरना वीर को खत्म करना तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। सच? मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? इस बार तुम जाओगी और वीर को अपने पंजे से ही खत्म करके आओगी। बॉस, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए बॉस। यस यस, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे पंजों में इस बोतल का वायरस लगा दूंगा। जैसे ही तुम वीर के बदन में पंजे गड़ाओगी, ये वायरस वीर के बदन में जाके उसके अंदर की सब मशीनरी जैम कर देंगे। कैटमोना, ऑल द बेस्ट। मैं और मेरा बड़ा मुंह, क्यों मुंह खोला मैंने, क्यों मुंह खोला। कौन है? वीर, वीर, यहाँ बिल्ली है, कोई बिल्ली है। क्या हुआ चुलबुल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक कैट ही तो थी, लगता है भाग गई। रात में तो उस गधे ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जैसे ही वीर बाहर आएगा, मैं उसे पंजा मार के भाग जाऊंगी। कितनी प्यारी कैट है, मैं इसे घर ले जाके दूध पिलाऊंगा। इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा, ये तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। नो नो नो, किटी किटी किटी, भागो मत भागो मत, बाहर बहुत खतरा है। दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें ना फिश खिलाऊंगा, एकदम फ्रेश और कच्ची कच्ची अच्छी मछली। म्याऊ, कच्ची मछली? क्या कर रही हो? रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ। क्यों चिल्ला रहे हैं? आज तुम्हें मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता वीर। वीर, बचाओ, ये बिल्ली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वीर, हेल्प वीर। ये गधा मेरी जिंदगी में कहां से आ गया? मैं इस गधे से ही नहीं जीत पा रही हूँ, वीर तो बहुत दूर की बात है बॉस। चलो जिंटू, आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, बहुत दिनों से गिल्ली डंडा नहीं खेला है। मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। पहले इस गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। डॉकी ने बहुत भगाया बॉस, वीर के तो
वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, तुमने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसी? ऐसा मत करो बॉस, टिम्बक्तू तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया, मुझे क्यों हटा रहे हो? ये बिल्ली नहीं रोबोट है, जो काम तुम नहीं कर पाई अब ये करेगी। बस बहुत हो गया, मैं इसका डट के सामना करूंगा। हम दोनों इसका सामना करेंगे। अटैक! ये क्या नहीं, रोबोट है। अब अच्छा लग रहा है। वीर संभल के, इमली तुम सामने मत आना, दूर रहना। रोबो बॉय सूट ऑन। दुश्मन का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया और वो तुम्हारा शिकार ऐसे करेगी जैसे बिल्ली चूहे का करती है। बाय बाय वीर। जिंटू उठो, जिंटू। जिंटू। ये बिल्ली मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। ठीक है, मैं भी इसे चूहे बिल्ली का खेल दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे सर पे एक थाप दूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। मुझे मारोगे? ये लो। खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो। कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आज का दिन मार खाने के लिए ही है, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। चुलबुल, वीर कहाँ है, वो कैट कहाँ है?
ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये रोबोट कैट ठीक नहीं है। मुझे ताजी ताजी गाजर ले दो प्लीज। हाँ हाँ चलो उस दुकान से खरीदते हैं। आलू कैसे दिए? अच्छा टमाटर? हाँ वो दे दो। चोर, चोर, मेरी चेन दे दो। बदमाश कहीं मेरी चेन दे दो। अरे रुकिए, सुनिए। बोलो मेरी चेन कहाँ है? दे दो मेरी चेन। आंटी ये अपने चड्डा अंकल हैं। इन्होंने आपकी चेन नहीं तोड़ी, ये तो इस तरफ सब्जी ले रहे थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा तो फिर मेरी चेन कौन तोड़ के ले गया? आपने तो मुझे बिना वजह ही पीट दिया। चोर कोई और है और वो यहीं कहीं है। वो क्या है? मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। क्या हुआ? क्या दिखा था? ऐसा लगा कोई ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन शेप सभी रूफ के ऊपर से भाग रही है। पता नहीं कैसे ये चोर लगातार सोने के जेवर चोरी कर रहा है और किसी को दिखता नहीं। ये अदृश्य चोर कौन है? दादाजी, दादाजी आप क्या? दादाजी आज तो लगातार चोरियां हो रही है। और पता है दादाजी, मैंने अजीब सी चीजें भी देखी। कोई ट्रांसपेरेंट जैसा ह्यूमन शेप रूफ टॉप से भाग रही थी। ट्रांसपेरेंट ह्यूमन शेप? ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। घूमना है तो सोना पहन के मत निकलो, क्योंकि आ गया है सोना चोर। ये देखने के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे देखें। भागो चोर आया। जिंटू जल्दी से सोने वाले चोर को पकड़ा दो, फुर्सतगंज में तहलका मचा रहा है वो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, सोने वाले चोर यहाँ आ जाए। जिंटू सोने वाले चोर से ये मतलब नहीं था, गायब करो इन्हें। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं रहते। इन्हें भी गायब करता हूँ और खुद भी गायब हो जाता हूँ। बाय। वीर जैसा तुमने बताया उस हिसाब से अंदाजा लगता है कि ये कोई बाहरी शक्ति है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उन्हें सोने की जरूरत किसी विशेष काम के लिए है। तो ठीक है दादाजी, अब इन्हें सोने का ट्रैप लगाकर ही पकड़ना होगा। ये देखो कितना सोना लाया हूँ। तुम यहाँ के निवासियों को परेशान कर रहे हो। तुम वही गलती कर रहे हो जो अपने प्लेनेट पे करते थे, सबको परेशान करना, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम कमजोर थे और ये दुनिया ताकतवरों की है। हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारा सोना इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वो घातक हथियार बन पाएगा। फिर पूरे धरती वासियों को खत्म करके हम धरती पे राज करेंगे। चार्ली ठीक कहता है। नहीं, हमें दूसरों को तंग करने की बजाय ऐसे प्लेनेट पे जाना चाहिए जहां हम आराम से रह सकें और कोई हथियार बनाने की जरूरत भी ना हो। दोस्तों अचानक शहर में गोल्ड की चोरियों की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए सबसे निवेदन किया जाता है कि सब लोग अपने अपने सोने के जेवर सेंट्रल हॉल में रख दीजिए, जब तक चोर को पकड़ा ना जाए। वहाँ पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा, आपका सोना सेफ रहेगा। आपका दोस्त रोबो बॉय।
देखता हूँ कैसे बच के जाता है। लेकिन एक बात जान लो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। तुमको क्या चाहिए, सोना क्यों चुराते हो, सब बताना होगा। तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम कौन हो? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रब बॉय। तीन तक गिनूंगा, लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एक, दो और तीन। लो मैंने ही गिन लिया। यहाँ का सारा सोना वापस कर दो और जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। तुम बहुत बहादुर हो वीर, तुमने इनको अच्छा सबक सिखाया है। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाइए और हमारे लोगों का सोना वापस कर दीजिए।
ये लो। ब्रावो, प्लीज हमें यहाँ मत छोड़ो। प्लीज ब्रावो, हमें साथ ले चलो। एक शर्त पे कि फिर कभी दूसरों को तंग नहीं करोगे। हम अपने रहने के लिए एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लेंगे जहाँ हम आराम से रह सकें और किसी को तकलीफ भी ना हो। प्रॉमिस, वी प्रॉमिस। चलो अच्छा हुआ, सबका सोना मिल गया। चलो अब सबको वापस करते हैं। चिंटू, ये सोना जिसका है उसके घर पहुँचा दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम।